हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और मेरे साथ है मेरी मम्मी दोस्तों, और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 बज रहे दोस्तों सुबह के और हम अपने खेतों की तरफ आए हैं। आज हम फेंकेंगे पूरे खेतों में अपने जो हमारे गेहूँ वाले खेत दोस्तों, गेहूँ कटाई अब हो चुकी है आपने जैसे पीछे से मेरे ब्लॉगों में देखा, और आज हम फेंकेंगे इन खेतों में गोबर दोस्तों, या जैविक खाद आप बोल सकते हैं, हम यहाँ बोलते हैं मैल, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। बारिश काफ़ी तेज़ हुई, तूफान काफ़ी तेज़ था बट बारिश भी हुई थोड़ी बहुत, तो उस वजह से अब धीरे धीरे दोस्तों जैसे तोड़ा और मक्की की बिजाई, आगे धान लगेंगे तो ऐसा ऐसा काम प्रोसेस में चल रहा है। अरबी की बिजाई होगी, उसको बोलते हैं दोस्तों हल्दी की बिजाई होगी, ऐसा सब कुछ अब धीरे धीरे काम स्टार्ट हो गया, तो इसका एक प्रोसेस होता है दोस्तों। सबसे पहले हम फेंकेंगे सारे खेतों में खाद, मतलब गोबर फेंकेंगे सारे खेतों में, और उसके बाद फिर अगला काम स्टार्ट होता है। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट दोस्तों। कुछ ऐसा व्यू दोस्तों चारों तरफ का, और ये सामने हमारे खेत, ये देखिए दोस्तों एक खेत ये है, एक ये है, इसके नीचे नीचे हमारे खेत है। हमने स्टोर किया होता दोस्तों लगातार 6 महीने से, हम इस गोबर को एक जगह फेंकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसको जो केंचू है वो उसको इस तरह इसका पाउडर बना दे, इसकी खाद बना दे, तब इसको फेंकते हैं हम खेतों में दोस्तों। क्योंकि फसल के लिए आप जानते हैं खाद बहुत ज़रूरी है, मैल बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे मम्मी भर रही हैं दोस्तों और मैं फेंकूंगा इन पूरे खेतों में, है ना मम्मी। किसान एकता जिंदाबाद। पिछला ब्लॉग दोस्तों आपने देखा होगा तो मम्मी की मधुर आवाज़, मेरी मधुर आवाज़ और शिवांशु की मधुर आवाज़ में आपने गाने सुने होंगे दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, उससे बढ़िया ब्लॉग आप नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं आम का सीजन अब स्टार्ट हो रहा है और दो ही आम बच रहे, ये देखो दोस्तों हमारी किस्मत कुछ खराब है, दो ही आम बचे हमारे पेड़ पे, क्योंकि हमारे यहाँ आम इतने लगते नहीं, और यही हमारा पेड़ था, पर नीचे देखो ये देखे नहीं मम्मी है लड़के जी, मैं सोचे नहीं हरे आम, अम्ब बतेरे लग रहे हैं, 10-12 अम्ब, दो नहीं तीन तीन आम बचे। अब आम का सीजन स्टार्ट हो रहा दोस्तों, अब जैसे जैसे नीचे आम गिर रहे हैं पेड़ पर बच रहे नहीं मम्मी, भी अम्ब किस है ना दोस्तों। पहले लोग ऐसा करते थे कि एक नमक मिर्च खेतों में ले जानी और आम जो खट्टे खट्टे आम गिरते थे नमक मिर्च के साथ खाने हो। अगर आपने भी खाए होंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या हो रहा है मम्मी, इतना लग रहा ना, ये देखो दोस्तों आम के पेड़ में सिर्फ 3 आम, काफी दुर्गति। और ये नीचे ये देखा ढेर लग रहा नीचे कितनी आड़ी रहे मम्मी ज्यादा अब हल्की फुल्की धूप निकल रही है, हालांकि मौसम बारिश वाला है। और आपके यहाँ मौसम कैसा दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आजकल बारिश से ज़्यादा दोस्तों तूफान चल रहा है, और बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, और हमारे घर ऐसी जगह हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल, तो ऐसा लगता है शाम को कि छत नहीं उड़ जाए कहीं, तो डर के साए में हमें सोना पड़ता है दोस्तों। हालांकि उसके बाद फिर नींद ऐसी पड़ती है कि पता चलता है फिर उड़ जाए घर तो ऐसा कुछ चला है दोस्तों यहाँ। और पीछे देखो, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ऐसा कुछ धुला धुला जैसा मौसम हो गया आज। बहुत टाइम बाद, लगभग कुछ 3 महीने बाद बारिश हुई है ऐसी, हैं
कणक मनी सी बरखा है ना मम्मी। और ये देखो दोस्तों इतना सारा पोषण, ये मैल का जैविक खाद इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि 6 महीने हम इसको स्टोर करते हैं और ये जब सड़ गल जाता है या इसका पाउडर जैसा बन जाता है तो इसको फेंकते हैं ऐसे दोस्तों जगह जगह ढेर, फिर इसको फैलाएंगे, फिर इसके बाद दौड़ा करनी है, मतलब एक बार हल ऐसे फेर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे हल में हम बीजते हैं मक्की। तो ये वाला काम अब चलेगा। इस पहाड़ी के उस वाली साइड जो हमारे खेत है वहाँ हमने गोबर फेंक दिया, अब हम आए हैं यहाँ, ये देख सकते हैं आप, और मम्मी वहाँ विश्राम कर रहे हैं। इस गोबर को फेंकेंगे हम, ये जो गोबर का ढेर आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, मैं भरूंगा भी और फेंकूंगा भी, मम्मी मानती नहीं, नहीं तो मम्मी को कुछ मैं करने नहीं देता हूँ दोस्तों। और सामने हमारी माता रानी, और बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं दोस्तों कि आप अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ दोस्तों, हर एक बच्चे अपनी मम्मी के साथ ही अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही खुश रहते हैं मैं और मेरी मम्मी, कभी गीत गाते हैं, कभी गप्पे सप्पे मारते हैं, है ना नहीं? और पहले दी मम्मी लेते रहे बीना, है ना मम्मी, ये बीना दा शिमला, पहले जड़े बीने नहीं होंगे है ना मम्मी, आज तो तौली लाए तेरे है ना, मतलब अहें तौली से जो खराब हुए तीन लगाए दें कोई समान समान ढोने खातर, पर पहले दोस्तों हर एक लेड जहाँ अपने चादर बनाती है ना मम्मी, गुंदा भी थी जना ले गुंदा भी थी, तो ये बना ही चादर, हाँ ये बने बिन्ना, ये बने बिन्ना है ना, हाँ चक्की रन टोकरी, इस पर ही सारा सामान वजन सारा, मतलब पहाड़ की महिला दोस्तों बस यही देख लो तुम्हें, इस पर रखना कोई भी सामान, क्विंटल क्विंटल वजन चक्कर नहीं इस पर ना मम्मी, क्विंटल क्विंटल वजन डोरा तुम्हें। और एक और तुम दस समय से बिन्ना पहले बनाई है ना, मतलब गुंदा ही ना बिन्ना पहले बनाई है, बहुत डिजाइनदार बिन्ने बनाने थी, तो कोई पानी रे गड़े जो जो है क्या करें गड़े ले आऊं वाई ते पानी रे ते ना बुनने ता दे जर भी दे ही हां और दा जर भी दे गागर दे ही प्रीत ने गागर भी बिन्ना भी दे थे बिन्ना दे पहले और बिन्ने दे हैं तीन चार चार बनाई बना थिया है अपू बिन्ने सारा ने बुना है एई बुनना से एई हां फिर एई हां सिर्फ पानी लेने जो अच्छा गोगा सटने लादी गोगा सटने बनाई देने बिन्ने अच्छा खराब हो गया तला देने गोगा सटने ना पहले बिन्ने बड़े देखे मई बिन्ने ना हूं कि बना पहले पहले पानी नहीं आंदा दूरा ते तेरे तबिनुए दी गणी गणी बुनता जी लंबिया रे खावा अलरे जावे तेरे तबिनुए गणी गणी बुनता जी लंबिया रे खावा अलरे जावे गाए हैं। क्या मतलब इस राम बिनु आप दे थे पे ना सुहाग आए अच्छा एड़ा गां थे तो पहले मतलब कमरे मुताबिक चीजें सारी देनी कुड़िया ना बेंफलू बेंफलू पखिया बागर बाने जो पहले की अच्छा पखे नहीं देता फिर पखिया घुमाने फेरी बिनुआ देने फेरी हूं बेतिया कमरे से जाने जो बनता था बोतल हियां फिर बोतल बिच भरने डेरे बनाने बनाने से सजाई देनिया गुलदस्ते करंडिया बादा ते ले हैं दुकाना दुकाना भी आपू भी बना तू हर दादा दी दो कुर्सी दितरिया दो कुर्सियां दितरिया मैं ये दिती रहा एक एक मंजा दितरा बड़ा बारी दीवाना साई है ना और जे जुड़ पेटी और भांडा पतीलू सब कुछ दितरा दे हैं पहले मशीन दे हैं पहले चरखे दे हैं मेरा ब्याह है तो मैं आपू मेचा पर आपको फोड़ी रहे सेंट्रा क्या बोला कुर्सी पर आपको फोड़े मेज पोस अच्छा मेजा पर जो कुर्सी पर जो आपको बनाए रहे सराने बनाने चादरी बनानिया वे दादरा देना है मुनिया जो अच्छा
पिछले ब्लॉग मम्मी गाने सुने अज मम्मी गाने लगे तू जरूर कमेंट करने दसना दोस्तों और गाने सुनना चाहता तू एडा दसना तू कमेंट करना मम्मी बड़ी गायक अभी दिन के 12:20 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और मैंने जैसे उठाया है टोकरी कुछ लकड़ियाँ उठाई हैं और पीछे आप देख सकते हैं मम्मी ने उठाया है घास। तो यही है पहाड़ी जनजीवन दोस्तों, गांव का जीवन इसी तरह। ये बना ब्लॉग देखा तुम्हें यहाँ से एक बार व्यू देख लो दोस्तों आप, ऐसा कुछ मौसम है, ऊपर बादल हैं और नीचे धुली धुली ही पहाड़ियां सारी हैं। ये देखो और वहां जा रहे हैं मम्मी घास लेके। दोस्तों दिन के तकरीबन 1 बज रहे हैं और अब टाइम हो गया हमारे लंच का और लंच में आज है चावल और दाल कचरी मम्मी, मूंगी की दाल, प्याज और आम की चटनी। गोरू को खिलाए जा रहे चावल। कितनी गिले कितनी तो सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और मेरे पीछे आप मौसम देख सकते हैं, आज मौसम बिल्कुल सुहावना हो चुका है और चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है दोस्तों। गड़गड़ाहट आप सुन पा रहे हैं या नहीं, बट बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों और किसानों के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती क्योंकि 3 महीने बाद अब बारिश हो रही है और अब होगी मक्की की बिजाई। सीधी दोस्तों मक्की की बिजाई कर देंगे